हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एसपी फैशन में तो दोस्तों देखिए आज मैं फिर से हमारे राजस्थान के सेखावाटी की जो पहने जाने वाली ड्रेस है उसी का वीडियो लेके आई हूँ तो दोस्तों मैंने पिछले दो वीडियो में आपको क्रेप के लहंगे दिखाए हैं आ, उनकी कुछ क्लिप्स ही मैंने आप लोगों को दिखाई थी फोटो दिखाई थी आज मैं आप लोगों को एक अलग से क्रेप के लहंगे का उसी टाइप के क्रेप के लहंगे का एक वीडियो लेके के आई हूँ जिसको मैं आपको पूरा दिखाऊंगी आप देख सकते हैं वीडियो में उसकी एक एक डिटेल के बारे में आपको बताऊंगी तो आप देख लीजिए वीडियो के अंदर ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्रेप का लहंगा है और इसमें देखिए कितनी सुंदर इसमें जो है डिजाइन बनी हुई है ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये बहुत ही सोना लग रहा है तो दोस्तों ये जो अभी लहंगे हैं ये मार्केट में मतलब बहुत ज़्यादा चल रखे हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है तो चाहे बड़ा ही हो चाहे कोई छोटा हो सभी को इसकी बहुत ही मतलब डिमांड है कि सभी को बहुत अच्छे लगते हैं ये तो जैसे ब्याह शादी हो गई कोई भी जड़वा का फंक्शन हो गया कोई भी फंक्शन है आपके घर में तो ये वाली जो ड्रेस है ये आप लेके आओगे तो इसमें कलर हैं जो बहुत अलग अलग कलर मिल जाते हैं तकरीबन सभी कलर मिल जाते हैं और मेरे से एक क्वेश्चन सभी लोग पूछते हैं कि दुकान का एड्रेस दो दुकान का एड्रेस दो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं वीडियो के बीच बीच में मैं बहुत बार दुकान का एड्रेस लगाती हूँ तो प्लीज़ कमेंट ना करें वीडियो को कंप्लीट देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी दुकान है और कहाँ पर है अच्छे से देखें आप तो ये देखिए इसी तरह का एक येलो कलर का मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसके अंदर देखिए पूरे तारे की कढ़ाई है और धागा है रेशम का धागा है जो ब्लू कलर में भी है सेम उसी कलर का और उस एक येलो कलर का है और बीच में इसमें तारी लगी हुई है और एक बड़ा सितारा लगा हुआ है जिसके ऊपर देखिए कैसे धागे से वो जो है कढ़ाई कर रखी है ये जो लहंगा होता है इसको अस्तर के साथ में आप कली का भी बनवाओगे तो भी ये अस्तर का बनेगा और अगर आप इसको अम्ब्रेला कट बनाओगे तो भी ये कली का बनेगा कली सॉरी ये अस्तर का बनेगा अस्तर लगाए बिना ये जो लहंगा है ये अच्छा जचेगा नहीं क्योंकि इसका थोड़ा सा पतला जो है कपड़ा जो है वो हल्का कपड़ा कपड़ा है क्रेप जो है थोड़ी सी हल्के कपड़े में पतले कपड़े में आती है तो वीडियो में देखिए इसका कलर सही नहीं आ रहा है मैं आपको फोटो में दिखा रही हूँ इसका कलर देखिए ऐसा कलर है बहुत ही सुंदर कलर है इसका और इसके साथ में आप चाहें तो ऐसा गाजरी कलर का ब्लाउज सिलवा सकते हैं क्योंकि ये वाले ब्लाउज भी आजकल बहुत ट्रेंड में है और बहुत ही चल रहे हैं और जो दूसरा ब्लाउज है वो गोल्डन कलर का है और इसके साथ में ये वाली चुनरी ये चीज़ें मैं तीनों पूरा बेस जो होता है पूरा जो ड्रेस होती है उसका बेस ब्लाउज लहंगा और चुनरी और चुनरी में गोटा पत्ती का काम वो सारा मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ आप देख सकते हैं इसके अंदर ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये ये वाला ब्लाउज भी इस पर अच्छा लग रहा है और गाजरी कलर वाला भी इस पर अच्छा लग रहा है तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बनवा सकते हैं और एक ये वाला ब्लाउज है जिसका मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था तो देखिए ये सेम टू सेम है जैसे इसमें तारे की कढ़ाई है वैसे इसमें भी तारी की कढ़ाई है और बहुत ही सुंदर लगेगा क्योंकि येलो वर्क जो है वो इसमें भी है और इसके साथ में ये वाली है चुनरी ये देखिए तो देखिए मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ चुंदरी को अगर आपको चाहिए तो मैं आपको खोल के और पूरी चुंदरी भी इसकी दिखा दूँगी और उसके जैसा ही ये दूसरा लहंगा है और ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और इसमें देखिए मैंने एड्रेस भी दिया है और ये है तीसरा लहंगा गोटापत्ती का तो ये भी मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया है और ये वर्क वाला लहंगा ये भी बताया है तो इसमें से जो भी आपको पसंद हो प्लीज़ फटाफट मैंने एड्रेस दिया है उस पर फ़ोन उठाएं और फ़ोन घुमाएं अगर आपको कुछ भी इसके बारे में जानकारी लेनी है तो फ़ोन पे प्लीज़ फ़ोन पे कॉन्टेक्ट करें और ये देखिए ये चुनरी है तो चलिए थोड़ा सा मैं चुनरी भी आपको खोल के दिखा देती हूँ अगर आपको पूरी चुनरी देखनी है तो पूरी चुनरी का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी बहुत ही शानदार चुनरी है देखिए बहुत ही प्यारा बंदेज है इसमें एक एक इसका जो बंदेज है वो एक एक पत्ती खुली हुई है कोई भी बंदे जी एक दूसरे से वो नहीं है और पूरी भरी हुई चुनरी है और देखिए कितना सोना इसका पोत है बिल्कुल घी के जैसा पोत है ये देख सकते हैं आप बहुत ही प्यारी चुनरी है अगर आपको चुनरी का वीडियो देखना है पूरा तो मैं चुनरी अलग से आपको खोल के दिखा दूंगी और गोटा गोटापत्ती लगा के भी इसके अंदर दिखा दूंगी तो प्लीज अगर आपको देखना है तो कमेंट करके बताइए मैं चुनरी को खोल के और उसमें गोटा पत्ती लगा के भी आप लोगों को बता दूंगी अगर आपको ये इस वीडियो में जो भी घाघरा ब्लाउज और चुनरी किसी के बारे में भी पता करना है तो प्लीज़ आप फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और वीडियो कैसा लगा वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पसंद लाइक कीजिए लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सभी को इस लोगों को इस बारे में पता चल सके कि कौन सी शॉप पर कहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ मिल रही है और कुछ आपको चुंदरी में मैं दिखा देती हूँ ये तो लहंगा है और उसके साथ में कुछ चुंद्रियाँ जो मैंने कल भी वीडियो में बताई थी तो उसकी काफ़ी डिमांड आई थी तो प्लीज़ आप लोग ये जो चुंदरी हैं ये चुंदरी भी वहाँ से कर करते कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय धन्यवाद वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए तो चलिए बाय बाय